इसराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर सबसे बड़ा ऑपरेशन किया है। 7 अक्टूबर से अब तक का यह सबसे बड़ा हमला है। इसराइल ने उत्तरी गाजा पर पूरी रात बमबारी की। इसराइली वायुसेना के 101 फाइटर जेट उड़े और गाजा में विनाशकारी बवंडर शुरू हो गया है। रिपोर्ट है कि इसराइल ने बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया है और हमास की सुरंगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसराइल ने हमास पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की और इतना बड़ा हमला इससे पहले नहीं किया गया है। देखिए आसमान से लेकर समंदर तक इसराइल ने कैसे गाजा को उजाड़ बना दिया और हमास को कितना बड़ा झटका लगा है। गाजा पर सबसे बड़ा हमला। गाजा में सबसे बड़ा विनाश। आठ अक्टूबर से इसराइल ने गाजा पर बमबारी शुरू की, लेकिन 27 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो अब तक नहीं हुआ था। सत्ताईस अक्टूबर की रात को जैसे ही 9 बजे इसराइल ने गाजा पर ऑपरेशन नभ शुरू कर दिया। इसराइल के एयरबेस से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। 1.5 मिनट बाद वो गाजा के आसमान पर पहुंचे और जमीन को दहलाना शुरू कर दिया। इसराइल ने सबसे पहले दुनिया से गाजा का कनेक्शन काट दिया। इसराइली फाइटर जेट्स ने सबसे पहले गाजा के केबल इंटरनेट सेंटर पर बम गिराया। इसके साथ ही गाजा का दुनिया से कनेक्शन कट गया। गाजा में इंटरनेट सर्विस बंद हो गई। इसके बाद गाजा के सभी कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त कर दिए गए। उत्तरी गाजा में पूरी रात बमबारी होती रही। गाजा के आसमान पर इजरायली फाइटर जेट गरजते रहे और लगातार धमाके होते रहे। उत्तरी गाजा पर बरसते बमों से हुए धमाके की चमक इतनी तेज थी कि मीलों दूर से कैमरे में कैद हो गई। कई मील दूर तक धमाकों की आवाज जाती रही। गाजा पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इजरायली फोर्सेस ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि गाजा को खाली कर दिया जाए। तभी ये संकेत मिल गए थे कि गाजा में सबसे बड़ा अनिष्ट होने वाला है। इजरायल ने 101 फाइटर जेट के साथ ऑपरेशन नभ शुरू किया। 180 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में इनसे बमबारी की गई। शुक्रवार रात 9 बजे से शुरू ऑपरेशन अभी भी जारी है। रिपोर्ट यह भी है कि इसराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। फास्फोरस बम का इस्तेमाल युद्ध में प्रतिबंधित है, लेकिन हमास का दावा है कि इसराइल ने इसका इस्तेमाल किया है। हमले के लिए फास्फोरस केमिकल से भरा बम विस्फोट किया जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर फास्फोरस के कण जलने लगते हैं। धमाके के बाद आसमान से आग की बरसात होती है। कणों का तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इतना ज्यादा तापमान शरीर की हड्डियों को पिघला देता है। इससे निकलने वाला जहरीला धुआं दूर दूर तक फैल जाता है। फेफड़ों में धुआं भरने से दम घुटने लगता है और मौत हो जाती है। इसराइल के ऑपरेशन नभ का सबसे बड़ा मकसद है हमास के ठिकानों को नष्ट करना। इस ऑपरेशन में इसराइली इंटेलिजेंस के इनपुट पर फाइटर जेट ने ऑपरेशन को अंजाम दिया।
इजरायली फोर्सेस ने कुल 150 हमास ठिकाने ध्वस्त किए हैं। इनमें सबसे पहला टारगेट बने हमास के अंडरग्राउंड टनल, इसके बाद हमास के अंडरग्राउंड हथियार गोदाम, साथ ही हमास के रॉकेट लॉन्च करने वाले ठिकाने, हमास के मिसाइल लॉन्च पैड, हमास के ओवरग्राउंड बंकर, हमास के स्नाइपर पोस्ट, हमास की नेवी विंग के ठिकाने भी ध्वस्त कर दिए गए। हमास की सुरंगें और बंकर नष्ट करने के लिए इजरायली वायुसेना ने बंकर बस्टर बम से हमला किया। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बंकर बस्टर बम के हमले की तस्वीरें हो सकती हैं। देखिए कैसे एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। इसराइल को अमेरिका ने बंकर बस्टर बम की सप्लाई की है और ये जबरदस्त विस्फोट के साथ भयानक तबाही मचाते हैं। इसराइल को अमेरिका से GBU-72 बंकर बस्टर बॉम्ब मिले हैं। इस बॉम्ब का वजन है 113 किलोग्राम। इसको दुश्मन की सुरंगें और बंकर नष्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही GBU-72 के बारे में जान लीजिए, लॉन्च होने के बाद जमीन खोदता हुआ बहुत गहराई तक ये जा सकता है। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इस बॉम्ब के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है बस्टर बॉम्ब? जमीन में 100 फीट तक ये जाता है और जानकारी ऐसे भी मिल रही है कि GBU-72 का अपग्रेड वर्जन की नोज रीइंफोर्स्ड है। टकराते ही विस्फोट नहीं होता लेकिन जमीन को 100 फीट तक ये खोद सकता है। आगे जानकारी देखिए, बंकर की कॉन्क्रीट पर पहला विस्फोट होता है और जानकारी ऐसे भी है कि प्राइमरी वॉरहेड फटता है जिससे कंक्रीट पे छेद हो जाता है। इसके बाद इसका सेकेंडरी और मेन वॉरहेड ट्रिगर होता है जो 6 फीट मोटी कंक्रीट को भी भेद देता है। इस तरह के बॉम्ब के प्राइमरी मॉडल पहली बार दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए थे। तब इन बॉम्बों से जर्मनी के अंडरग्राउंड हथियार प्रोडक्शन बंकर्स को ध्वस्त किया गया था और अब ये कहा जा रहा है कि इसराइल और हमास की जंग में भी इस्तेमाल हो रहा है। इजरायली फाइटर जेट्स ने शुक्रवार की रात इन्हीं बमों का इस्तेमाल किया। इजरायली फाइटर जेट्स ने गाजा में सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया। बंकर बस्टर के साथ उड़े विमानों ने हमास के 150 अंडरग्राउंड ठिकाने ध्वस्त कर दिए। गाजा पट्टी के 180 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में तबाही मचा दी। ये अब तक गाजा पर हुआ सबसे बड़ा हवाई हमला है जिससे हमास का बहुत बड़ा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया। इन हमलों में हमास को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हमास का एयरफोर्स प्रमुख अत्साम अबू राफा इस हमले में मारा गया। इसके अलावा हमास की नेवल कमांडो फोर्स का कमांडर राताब अबू शैबान भी मारा गया है। ये दोनों कमांडर इजरायली फोर्सेस के हमले में मारे गए। अबू राफा इजरायल पर ड्रोन और पैराग्लाइडर हमलों के लिए जिम्मेदार था। इजरायल पर हमला करने के लिए पैराग्लाइडर कमांडो फोर्स राफा ने ही तैयार की थी, जबकि नेवल कमांडर अबू शैबान की फोर्स ने समंदर से जाकिम पर हमला किया था।